हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि कोई जनरल ट्री को हम बाइनरी ट्री में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास तीन रूल है कि जो रूट नोड होगा जनरल ट्री का वही रूट नोड होगा बाइनरी ट्री का। अगर मानो आपकी ट्री में ये रूट नोड है तो जो बाइनरी ट्री है उसमें भी रूट नोड यही होगा। तो दूसरा रूल ये कहता है कि लेफ्ट नोड ऑफ बाइनरी ट्री इज लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड ऑफ द नोड इन जनरल ट्री। अगर आपके जनरल ट्री में मानो ये आपका लेफ्ट मोस्ट नोड है तो जो बाइनरी ट्री होगी आपकी उसमें भी जो उसका लेफ्ट नोड होगा वो यही रहेगा। और तीसरा रूल जो कहता है कि राइट नोड ऑफ बाइनरी ट्री इज सिबलिंग ऑफ द नोड इन द जनरल ट्री। सिबलिंग का मतलब है भाई बहन, जनरली भाई बहन। तो अगर मानो कि आपका जो ये लेफ्ट नोड है तो उसका भाई बहन यहाँ पर इस ट्री में कौन होगा, तो यहाँ के 10 के नीचे देखो 15 है, तो 8 का जो सिबलिंग होगा वो 15 होगा। 15 में आप देखें तो 15 का सिबलिंग कौन होगा, तो 18 होगा। तो आपके रूल ये हम प्रैक्टिकली हम इस एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो इस एग्जांपल में हम समझते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो मैंने सबसे पहले बोला था कि आपका जो रूट नोड होगा वही रूट नोड होगा आपका बाइनरी ट्री का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रूट नोड यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो आपकी ट्री होगी उसका जो रूट नोड होगा वो यही होगा। दूसरा नियम क्या कहता है कि जो लेफ्ट मोस्ट जो नोड है वही बाइनरी ट्री का लेफ्ट मोस्ट रहेगा। तो यहाँ पे 8 जो है वो लेफ्ट मोस्ट रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 8 का कोई सिबलिंग है या नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 15 जो है उसका सिबलिंग है, ये 15 होगा ना, 10 में से 8 है और 10 में से 15 है, तो 15 उसका सिबलिंग होगा, तो उसका राइट नोड होगा 15, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि 8 का कोई सिबलिंग जो था वो तो आ गया 15। अभी 8 का जो लेफ्ट मोस्ट है वो लेफ्ट मोस्ट जनरल ट्री में रहेगा, तो 8 का लेफ्ट मोस्ट है 9। अभी हम देखेंगे 9 का कोई सिबलिंग है, तो 9 का कोई सिबलिंग नहीं है, तो लेफ्ट मोस्ट है उसका वो 7, हम एज इट इज़ रख देंगे 7, ठीक है। अभी हम देखेंगे 15 का, 15 का लेफ्ट मोस्ट है 11, तो सेम एज इट इज़ रहेगा 11 लेफ्ट मोस्ट। अभी हम देखेंगे कि 11 का कोई सिबलिंग है, तो जी है, 13 जो उसका सिबलिंग है, 15 में से 11 आया, 13 आया, तो 13 हम राइट साइड में रखेंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। अभी 11 का कोई लेफ्ट नहीं है तो हम यहाँ पर कुछ नहीं रखेंगे। अभी हम देखेंगे 13 का, 13 का कोई लेफ्ट मोस्ट है, 13 का लेफ्ट मोस्ट कोई नहीं है, तो लेफ्ट मोस्ट हम उसका खाली रखेंगे। और 13 का सिबलिंग है 14, 15 में से आ रहा है 14, तो 14 को हम इधर रखेंगे, 14 आ गया। अभी हम देखेंगे 14 का कोई लेफ्ट मोस्ट है, नहीं है, उसका सिबलिंग है, तो जी है 16, तो 16 को हम फिर से उसके राइट में रखेंगे 16, ठीक है। अभी हम देखेंगे 15 का, 15 का कोई सिबलिंग है, 18 है सिबलिंग, तो उसको हम उसके राइट में रखेंगे 18। अभी 18 का कोई लेफ्ट मोस्ट है, 19 है, तो हम उसको इधर रखेंगे 19। अभी हम देखेंगे 19 का कोई लेफ्ट मोस्ट है, नहीं है, उसका सिबलिंग है 20, तो उसको हम राइट में रखेंगे। तो ये जो ट्री है हमारे पास उसका हमने जनरल ट्री में से बाइनरी ट्री में आपको कन्वर्ट करके दिखाया। अभी हम एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये उसके कंपैरिजन में इजी है। तो सबसे पहले जो जनरल ट्री का रूट नोड है वही हमारे बाइनरी ट्री का रूट नोड होगा, ठीक है। तो हमने एज इट इज़ इसको लिख दिया। अभी एक का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड आपको दिख रहा है बी है, तो बी को हम उसके लेफ्ट में ही एज इट इज़ रख देंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे बी का कोई सिबलिंग है, तो जी है सी, क्योंकि ए में से ही बी आ रहा है और ए में से ही सी आ रहा है, तो सी को हम बी के राइट में रखेंगे, तो सी आ गया। अभी हम सी का देखेंगे, सी का कोई लेफ्ट मोस्ट है, नहीं है, राइट मोस्ट है, नहीं है, तो सी को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अभी हम बी का देखेंगे, बी का लेफ्ट मोस्ट है डी, तो डी को हम एज इट इज़ रख देंगे डी, रूल नंबर 2 के।
अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हम देखेंगे डी का कोई सिबलिंग है, तो जी है ई, क्योंकि बी में से डी आ रहा है, ई आ रहा है और जी आ रहा है, तो हम डी के राइट में रखेंगे ई को, ठीक है। अभी हम सेम ई का देखेंगे, ई का सिबलिंग है जी, तो जी को हम उसके राइट में रखेंगे, ठीक है। और ई का जो लेफ्ट मोस्ट है एफ, तो वो हम ई के लेफ्ट में ही एज इट इज पुट कर देंगे एफ को। इसी तरह आप जो कोई भी जनरल ट्री आपको दी होगी, तो अगर आप वो तीन रूल याद रखेंगे तो उसको आसानी से आप बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।